फ्रेंड्स, कैसे आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं फिर से लेटेस्ट अपडेट वीडियो लेके आई, जो कि ऑलरेडी हमारी अपकमिंग ड्रामा सीरीज थी, जिसका नाम है फ्रेंड डॉक्टर स्ट्रेंजर। इससे पहले मैं कह दूं फ्रेंड, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पे जो लोग विजिट करते हैं फर्स्ट टाइम, तो प्लीज एक सेकंड ही लगता है, वीडियो को पॉज करके जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, जिससे लेटेस्ट अपडेट वीडियो जो भी मैं बनाऊं आप सबके पास पहले जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड, लाइक शेयर जरूर करें। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 10 आउट ऑफ 6.4 की है। स्टोरी की शुरुआत में हमें दिखने को मिलेगा हुम नाम का एक छोटा बच्चा होता है, जो अपने पापा के साथ साउथ कोरिया में अकेले रहता था, क्योंकि फ्रेंड इसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका था, जिसके वजह से वो अपने फादर के साथ रहता था। इसके फादर डॉक्टर सियोल साउथ कोरिया के सबसे जाने माने डॉक्टर थे। डॉक्टर सियोल से मिलने साउथ कोरिया का एक इंसान आता है, जिसका नाम जैक होता है। वो डॉक्टर सियोल को बताता है कि अमेरिका नॉर्थ कोरिया पे अटैक करने वाला है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि किम जोंग मरने वाला है। ऐसे टाइम में अमेरिका के लिए बहुत आसान होगा नॉर्थ कोरिया को अपने वश में लेना। जैक डॉक्टर सियोल से कहता है कि वो किसी भी तरीके से किम जोंग की जान बचा लेता है तो अमेरिका अटैक नहीं करेगा नॉर्थ कोरिया पे। लेकिन फ्रेंड, उसे बचाने के लिए डॉक्टर सियोल को नॉर्थ कोरिया जाना था। डॉक्टर सियोल अपने वाइफ को कॉल करता और कहता है कि कुछ दिनों के लिए वो अपने बेटे का ख्याल रखे, जब तक के लिए वो वापस नहीं आ जाते। लेकिन फ्रेंड, डॉक्टर सियोल की वाइफ वो किसी और से शादी कर लेती है, जिसकी वजह से वो उसे मना कर देती है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को नहीं रखूंगी अब, और कहती है कि आइंदा से मेरे पास कॉल मत रखना, क्योंकि अब हम दोनों का रिश्ता नहीं और मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। हुन ये सारी चीजें अपने पेरेंट्स की सुन लेता है और उसे बहुत बुरा लगता है। डॉक्टर सियोल को सर्जरी के लिए नॉर्थ कोरिया ले जाया जाता है, और नेक्स्ट सीन में हम लोगों को देखने को मिलेगा कि सर्जरी शुरू होने लगती है, लेकिन किम जोंग की दिल की धड़कनें बंद हो जाती हैं। तभी नॉर्थ कोरिया का आर्मी ऑफिसर वहाँ आता है। वो आदमी डॉक्टर सियोल के बेटा को लाता है और उस पे गन तान लेता और कहता है कि अगर तुमने इसे जिंदा नहीं रखा तो मैं तुम्हारे बेटा को मार दूंगा। वो काफी प्रेशर में चले गए थे डॉक्टर सियोल। अपने बेटे की जान बचाने के लिए डॉक्टर सियोल पूरी कोशिश करते हैं उस इंसान को बचाने के लिए, और सडनली किम जोंग की धड़कनें फिर से वापस आ जाती है। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा वो एक लड़की से मिलता है और उसे एक वो फ्रेंडशिप बैंड देता है, और वहाँ से वो चला जाता है। सारा चीज सक्सेस हो जाने के बाद दोनों बाप बेटे घर वापस लौट रहे थे, तभी आर्मी वालों ने इनकी गाड़ी को रोक लिया और चारों तरफ से घेर लिया होता है। ये लोग इन दोनों को एक सुनसान रास्ते पे लेके जाते हैं। असेंबली मैन जैक नहीं चाहता था कि डॉक्टर सियोल साउथ कोरिया वापस लौटे, और वो गुड सर्जर होने का डॉक्टर सियोल से सारी चीजें छीनना चाहता था, और वो अपने पावर में रखना चाहता था ताकि वो प्राइम मिनिस्टर के साथ अच्छे से मिल सके। यहाँ तक कि फ्रेंड्स, उन दोनों को उन्होंने मारने का ऑर्डर दे दिया था। जैक काफी तारीफ बटोर रहा था, तभी हुन की माँ वहाँ आ जाती है और अपने बेटा के लिए हल्ला मचा रही होती है कि मेरा बेटा कहाँ, तुमने मेरे बेटे को क्या किया। लेकिन जैक अपने पावरफुल की वजह से उसकी माँ को किडनैप कर लेता है और उसे बेहोश कर देता है और उसे पागल साबित करवा देता है। नेक्स्ट सीन में हम लोगों को देखने को मिलेगा वो बाप बेटी को कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हारी अपनी पूरी की पूरी पहली वाली जो पहचान है वो तुम्हें मिटानी होगी, और एक नॉर्मल इंसान की तरह तुम दोनों को जीना होगा। क्योंकि पता है फ्रेंड, डॉक्टर सियोल काफी सक्सेस सर्जन होते हैं, जिसके वजह से जैक को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं होती, क्योंकि वो सिर्फ अपना नाम कमाना चाहता है। डॉक्टर सियोल अपने बेटे की जिंदगी के लिए उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। कट टू कट सीन चेंज होती है। अब हुन बड़ा हो चुका होता है, वो बहुत ही अच्छे मेडिकल स्कूल में पढ़ता है, और वहीं स्कूल में जय ही से बहुत ज्यादा प्यार करता है। और याद दिला दो फ्रेंड, ये वही लड़की है जिसे बचपन में उसने उसको फ्रेंडशिप बैंड दिया था। जिन्ही कहती है कि आज मेरे फादर तुमको इनवाइट करना चाहते हैं, ये चीज सुन के हुन काफी खुश हो जाता है। वो डिनर के लिए तैयार हो रहा होता है, तभी हुन के फादर डॉक्टर सियोल कहते हैं कि चलो हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल जाने के बाद फ्रेंड, लंबी लाइन को देखकर हुन समझ जाता है कि पक्का आज उसका डिनर उसके हाथ से गया। और यहाँ पे फ्रेंड, हम लोगों को देखने को मिलेगा कि हुन बिल्कुल अपने फादर के तरह टैलेंटेड सक्सेस डॉक्टर है। क्लिनिक से निकलने के बाद हुन जेई के घर जाता है, लेकिन उसे दरवाजा खुला मिलता है, और जैसे ही वो अंदर जाता है घर की सारी चीजें इधर उधर पूरी तरीके से बिखरी हुई होती है। वो जेई को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलता आवाज लगाता है, जहां जेई उसके पास दौड़ते हुए चली आती है।
और उसके गले लग जाती है। वो काफी डरी हुई होती है क्योंकि कुछ पुलिस वाले उसे जबरदस्ती पकड़ के ले जा रहे होते हैं और हुंग कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। दूसरी सुबह हुंग के पापा कहते हैं कि तुम्हें जेई से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो क्रिमिनल फैमिली से बिलोंग करती है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है और तुम मेरे इकलौते बेटे हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। क्योंकि मिस्टर सियोल अपने बेटे को इस चीज में नहीं फंसाना चाहते थे क्योंकि ऑलरेडी वो उस चीज से गुजर चुके थे। लेकिन फ्रेंड हुंग एक बात अपने फादर की नहीं मानता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे आर्मी वाले आते हैं और हुंग को किसी रिसर्च सेंटर पे लेके चले जाते हैं। उस जगह फ्रेंड बहुत सारी गैर कानूनी काम भी होते हैं जो हुंग कुछ कुछ समझ रहा था। और फ्रेंड हुंग को और उसके फादर को इसलिए छोड़ा गया था ताकि बड़ा होकर हुंग उस जगह की गुलामी करेगा और उस जैक के अंडर काम करेगा। वहाँ एक इंसान कहता है हुंग को कि बिना पूछे तुम इस सर्च सेंटर से वापस नहीं जा सकते हो कहीं भी। फिर भी उसने ऐसी अगर कोशिश की बाहर जाने की तो सीधा उसे मार दिया जाएगा। कहानी फ्रेंड 5 साल आगे बढ़ जाती है और हुंग वही काम कर रहा होता है उसी लैब सेंटर में। और हुंग वहाँ हर वो लीगल और अनलीगल काम किया है जो उसे वहाँ के लोग जबरदस्ती करवाते थे। और हुंग अपने फादर से भी एक बहुत अच्छा काबिल डॉक्टर बन जाता है जिसका कोई मुकाबला नहीं। उसी जगह से अमेरिका के कुछ लोग आते हैं जो कि डॉक्टर अमेरिका से आते हैं, जिसके लिए नॉर्थ कोरिया के पास बहुत ही अच्छे और काबिल डॉक्टर है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, उस अमेरिकन वाले को दिखाना होता है। जिसके वजह से हुन अंधेरे में सर्जरी करता है और वो सर्जरी सक्सेस भी हो जाती है। नेक्स्ट में हम लोगों को देखने को मिलेगा हुंग के पास एक और एक्सपेरिमेंट आता है और हुंग जैसे ही उस पेशेंट के पास जाता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो वो कोई और नहीं जेई थी। ये देख के काफी हुंग शॉक्ड में चला जाता है क्योंकि ऑलरेडी वो उससे बहुत पहले खोज रहा था कि क्या होता है फ्रेंड जेई के साथ बहुत पहले से एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है जो चीज किसी को नहीं पता होती। तो क्या हुंग उसे बचा पाएगा, क्या हुंग उसे अपने काबिल सर्जन की वजह से बचा पाएगा या नहीं, आगे क्या होता है फ्रेंड ये जानने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंजर आपको देखने की बहुत ही अच्छी ड्रामा सीरीज है। डॉक्टर की लाइफ से रिलेटेड है फ्रेंड और ये अपकमिंग ड्रामा सीरीज में से एक। जैसे ये वीडियो हिंदी में अपडेट होती है मैं उसी वक्त आप सबको अपडेट करूंगी। अगर आप सब सब्सक्राइब किए होंगे तो आप सबके पास पहले जाएगी। अगर फ्रेंड्स आप सबको कोई भी क्वेश्चन कोरियन ड्रामा से रिलेटेड पूछना है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करें, वहाँ मैसेज कर सकते हैं, मैं सारे का रिप्लाई देती हूँ फ्रेंड और आप लोगों का भी दूंगी। तो मेरा इंस्टा आईडी ये रहा, आप वहाँ जाकर कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप फ्रेंड मेरी ये वीडियो पसंद आई। नेक्स्ट वीडियो किसी बनाना जरूर बताएं। फिर आएंगे नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।